पत्थर है 126। सो गाइस अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मेले में। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ रास्ते से शुरू हो चुकी है। पता नहीं क्या होगा माहौल। यहाँ से थोड़ा सा आपको मेले का दिखाता हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है, शायद हम लोग इधर से जाएँ। रास्ता पता नहीं कहाँ से है, तो चल रहे हैं यहाँ से। मंदा आ गया, मेरा वेट कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने जगह बचा के रखी है। डॉक्टर पुलिस जो होता है ग्राउंड से यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, वो ज़्यादा मेरे साथ पीछे नहीं रहा है, चल रहे हैं के पास। हेलो सो गाइस, ये है कुछ मार्केट का नज़ारा। मार्केट में तो अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, बट जो वहाँ का ग्राउंड है माँ बराए धाम का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। सो अभी दर्शन कराना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लोर कर पाऊँ। कैमरे की बैटरी भी बिल्कुल लो हो रही है, सो देखते हैं पुलिस जो भी होता है। बट अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है अंदर जाना मंदिर के। ग्राउंड में जगह मिल जाए वो बहुत ज़रूरी है अभी, और ग्राउंड में पहुँच के भी हो सकता है कि हम लोग पीछे पीछे जगह मिले, आगे तो लगने की ज़रूरत है, इसलिए पीछे पीछे देखेंगे। अभी हम ढूंढ रहे भाई को, वो इधर एक होटल है वहाँ पर खाना वाना खा रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे होता है। हमें भी लग सकती है भिड़ी हुई, वो साइड करते रहे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के ग्राउंड में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हमें मोहनदा तो अब देखने मिल रहा है। इसकी बैटरी बिल्कुल लो होने वाली है, करीब 7-8% बची हुई है। मुझे इसमें दूसरी बैटरी लगानी थी, बट बोल रहा मैं कहीं छत में हूँ, डोंट नो कौन सी छत में है, सो डोंट नो क्या होगा। सो देखते हैं उसको कि कहाँ पर है वो, उसके बाद मिलता हूँ। पहले मोहनदा को ढूंढता हूँ और आप तब तक नज़ारे लीजिए मिल जाएंगे। किनारे वाला
और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ यहाँ आपकी नज़र आ रही है सब जगह भीड़ी भीड़ है। मेरे नीचे भी सब आप लोग देख सकते हैं सब जगह भीड़ी भीड़ है जहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि केवल मैं जिस छत में खड़ा हूँ उस छत का माहौल है और उधर की ऐसी है पीछे भी सारी भीड़ भी है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और शायद मेरी नॉइज़ भी अच्छे से नहीं आ पा रही होगी। मेरी दूसरी वाली बैटरी जो थी लो हो चुकी थी तो इसको मैंने अभी चार्जिंग पर लगाया हुआ है उसको चार्जिंग पर लगाया हुआ है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं होता गया और सामने का भी देखिए कितना मस्त आ रहा है। बगवाल जो है फिनिश हो चुकी है लगभग 11 से 12 मिनट की बगवाल इस बार हुई है और मैंने पूरे शॉट जो है कैमरा में लिए हैं। मैं इसका स्पेशली ब्लॉग डालूंगा अलग से कि एक्चुअली हुआ क्या क्या बगवाल में और जो लिमिटेड शॉट्स हैं वो मैंने मोबाइल और गोप्रो से लिए हुए हैं वो मैं गोप्रो से शूट करूँगा। और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि बगवाल ख़त्म हो चुकी है और सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे से गले मिल रहे हैं आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। सो जो अलग अलग काम थे अब तक के चार वो सारे एक हो चुके हैं और छतों के ऊपर देखिए अब लोग मतलब जाना स्टार्ट हो गया लोगों का क्योंकि भीड़ कम हो चुकी है कि बगवाल ख़त्म हो गया एक्चुअल में और अभी सब लोग जा रहे हैं घर को हम लोग भी चलते हैं पर थोड़ा सा रुक रहे हैं क्योंकि एकदम से लोग जाएंगे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी। देखिए हमारे शस्त्र भी लोग जा चुके हैं ऊपर से भी काफ़ी लोग चले गए हैं सो भीड़ काफ़ी कम हो गई हम लोग आराम से जाएंगे और पूरा मज़ा लेंगे। अभी मार्केट घूमेंगे मेला एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ मतलब कुछ किया भी नहीं मेले के अंदर आके हम लोग खाली आए थे और सीधे बगवाल में आ गए थे छत में आ गए तो यहाँ पर आके कुछ कर नहीं पाए बड़ी मुश्किल से छत में आए तो काफ़ी अच्छा लगा बट चलते हैं यहाँ से आगे तो देखते हैं कैसा कैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना हुआ है और इसमें जो है मतलब काफ़ी अच्छा बनेगा। मैं स्पेशली एक ब्लॉग का डालूंगा 12 का ब्लॉग। हाँ सो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सो हमारा साथ दिया कमल ने और मोहनदा ने जिन्होंने ये छत टेरेस ढूंढ के रखी थी और हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मैंने अपना कैमरा छत से बिल्कुल कैच कर लिया था बट मोहनदा ने बोला कि ऊपर ही आ ले यहीं से बना ले तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग यहाँ से शूट हो गया है और काफ़ी ऊंचाई में थे हम लोग तो अच्छा दिखा बट नीचे रहते अगर कुछ पत्थर भी लग सकते थे और चोट भी लग सकती थी बट होपफुली बहुत अच्छा ये ब्लॉग रहने वाला है। सो बहुत बहुत थैंक्स मोहनदा और मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया क्योंकि गोप्रो तो वाटरप्रूफ था बट DSLR वाटरप्रूफ नहीं था और फोन वाटरप्रूफ नहीं था हम खुद वाटरप्रूफ नहीं थे सो बड़ी दिक्कत हो जाती बाद में बट जो भी हुआ बहुत अच्छा रहा आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने आज। सो अभी निकलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी बहुत इसके बाद चलेंगे घर को वापस या हो सकता है रात का मेला देखने का मौका मिले जो भी होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थरों से जो है बगवाल हो रही थी सो इनसे जिनको चोट लगी हुई वो चोटिल तो हुए होंगे। ये देखिए गाइस इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनसे कि बगवाल खेली जा रही थी और ये तो उसको मारने पे टुकड़े भी आप लोग देख सकते हैं तो क्या हालत हुई होगी जिनकी चोट लगी होगी होपफुली ज़्यादा लोगों को तो नहीं लगी होगी। जब हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना कुछ भी नहीं था एकदम से बहुत सारे पत्थर आ चुके हैं। अच्छा मैं देखते रहो यार मेरा लूँ कहाँ से यार कोई तो उठा रहा होगा उसी की वीडियो बना लेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे जो पत्थर है जिससे बच्चे भी निकल रहे हैं मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। इससे क्या होता है कमर सही होती है। सो गाइस अभी हमारे साथ में भूपेश गोस्वामी जो कि मेरे गांव के ही हैं और आपने देखा होगा फेसबुक में भी इनको काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये तो अभी ये बताएंगे कि इन्होंने बगवाल खेली आप इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या इनको कठिनाइयाँ हुई और क्या क्या आपने जो है परहेज किए इस बगवाल के लिए बताइए वर्ष बार से। देखिए हर साल की तरह हम रक्षाबंधन में यहाँ पे एक बगवाल खेलते हैं और चार खामे होते हैं यहाँ पे एक लमगड़िया वाले एक चम्याल और गहरौल खाम और हमारी खाम है वाले खाम
तो हर साल के उससे हमने इस साल भी खेला, क्योंकि दो साल से तो कोरोना के उससे हमारी बकवाल कम हो पाई, उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। तो इस बार देख काफ़ी लोग देखने को भी मिले हमें यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा हमें खेल के। और माता भगवती का आश्रम ने हम अगले साल फिर से ऐसे खेलते रहे, ऐसे बनाया। तो आप लोगों को आपको कहीं चोट वोट भी लगी आज? हाँ सही, बंदी चोट लगी, पाँव पे लगी है, एक यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चोट लगी, और मतलब एहसास नहीं हो रहा है, एक शक्ति है एक माता की, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं। तो धन्यवाद गोपाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे भाई भी हैं और साथ में भगवान भी खेलते हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता, बट बहुत जो है ये सम्मान का विषय है आपके लिए, धन्यवाद। सो गाइस, फाइनली अभी हमको संजू मिल चुका है, सुबह से हम इसको ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ था भीड़ में, और साथ में जवाई जी भी मिल गए हैं, और सारे लोग अभी इकट्ठे हो गए यहाँ पे, बट देखो जाते जाते कहाँ कहाँ मिस होते रहते हैं। दिखा दे दिया, तेरे को दिखा दे रहा हूँ क्या? 10 मिनट में तेरे को रखता हूँ, 10 मिनट तो तू ही रहो, हेलो हेलो कहते रहा। सो काफ़ी अच्छा लगा सब लोग से मिल के, अब सारे मिल चुके हैं ऐसे, फिर इसके बाद निकलते हैं यहाँ से, मार्केट घूमते हैं। संजू ने तो खाना खा लिया पहले ही, समझा लो गाइस, देखिए 120 किलो पत्थर है, भारी भारी बहुत भारी है यार, जा रहे अभी संजू क्या है, बिल्कुल कोशिश कर रहा है इसको उठाने की, उठा लेगा बोल रहा है, एक बार मैंने पहले उठाया, करीब 120 किलो का पत्थर है, 120 से 130 घुटने में बहुत बढ़िया। 18 साल दोनों कहाँ है, बट आई है, अच्छा ये सब लोग इधर बैठे हैं, जागो जागो जागो, सारे के सारे इधर मजे ले रहो, कहते बहुत बड़ा कहते, और कौन गया तुम, सब काकड़ी खा रहे हो अगले अगले, मेरे सीखे कहाँ है यहाँ पर पूरा पार्टी, और नाथ जी का चाकू जो है यहाँ पर काम आ रहा है, मैं चलूँ फिर, मैं चलूँ, अरे मैं उनको उनको खड़ा करके आया हूँ, उन्हें कहा तो खो जाएगा, हम ढूंढेंगे भी नहीं, दीदी भाई बाय बाय बाय, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में आऊँगा, यहीं होना तुम तो, मैं तो घुमंतु हूँ, तुम तो फिक्स हो। तो गाइस हम लोग फंसे हुए हैं मार्केट में, मिलने की जगह नहीं हो रही, यहाँ पर पूरा का पूरा जैम लगा हुआ है, आगे भी देख सकते हो इतना आगे तक जैम है, जैसे जैसे निकल रहे हैं, पिटो पिटो